हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 7 प्रश्नावली प्रश्नावली 1.7, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे पूर्णांकों के गुणन के गुणधर्म दिए गए हैं तथा सामने उदाहरण दिया गया है, सही उदाहरण को सही गुणधर्म से मिलाइए। तो देखें, यहाँ पर ये उदाहरण है और वहाँ पर गुणधर्म है। तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले में -4 गुणा 5, फिर क्या हो रहा है आगे इसके 5 गुणा -4, मतलब इनका क्रम बदल रहा है। ये बाद में था, यहाँ पर पहले आ गया, ये पहले था बाद में आ गया, मतलब इसमें क्रम बदला है तो कौन सा गुण लगेगा, क्रम भी नहीं मिला था, तो इसको यहाँ पर इससे मैच कर देंगे। अगला देखें, -4 गुणा कोष्टक के अंदर -3 प्लस -2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आगे इसके -4 कोई गुणा 3 से कर रखा है, प्लस का चिन्ह, फिर -4, मतलब यहां पर कॉमन दो संख्या उसको खोल रखा है, मतलब इनका वितरण कर रखा है, इनको बांट रखा है, तो यहां पर कौन सा गुण धर्म होगा, वितरण गुण। आगे देखें, -4 गुणा 7 बराबर -28, मतलब इनको सम्वृत्त का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा मतलब जो भी संख्या उसको हल करके एक संख्या के रूप में लिख देना, तो यहां पर कौन सा गुण धर्म है, सम्वृत्त गुण धर्म। ये रहा लास्ट, यहां पर देखो 4, फिर कोष्ठक के अंदर शुरू की लास्ट दो संख्या, यहां पर कोष्ठक के अंदर शुरू की दो संख्या, मतलब यहां पर साहचर्य गुण धर्म है। साहचर्य गुण धर्म क्या होता है कि दो संख्या को गुणा करके उसको तीसरी संख्या से गुणा कर दो, चाहे वो दो संख्या शुरू की हो या लास्ट की हो, तो यहां पर शुरू में लास्ट कर रखा है, बाद में शुरू की कर रखा है, तो यहां पर यह गुणधर्म होगा साहचर्य गुणधर्म, ठीक है। इस प्रकार से इनको मिलाना होता है। दूसरा प्रश्न, पूर्णांकों के गुणन के गुणधर्म को ध्यान में रखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न देखें, 26 × -48, तो यहाँ पर गुणधर्म कौन सा, क्रम भी नहीं मैं था, मतलब इन्हें क्रम बदलना है, तो यहाँ पर देखो -48 पहले आ गया तो बाद में क्या आएगा, 26। दूसरा, वितरण गुणधर्म से होगा, मतलब ये इनका वितरण होगा, तो -6 -2 से गुणा होगा जो हो रहा है, प्लस 3 लगेगा, फिर -6 -1 से गुणा होगा, तो -6 भी लिखा हुआ है, गुणा का चिन्ह भी है, तो लिखना क्या है यहाँ पर, -1। तीसरा, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है कि ये कोष्टक है, ये अपनी जगह बदलता है, मतलब यहां पर बाद में तो वहां पर पहले होगा, ठीक है, 100 और इस -4 पर होगा, क्योंकि 52 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो -4 यहां पर होगा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न, उचित गुण धर्मों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर 4 प्रश्न दे रखे हैं, तो इसका पहला प्रश्न ये रहा, यहां पर ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, 26 × -48 प्लस -48 × -56, तो यहां पर हमारे पास में 4 गुणधर्म है, साहचर्य गुणधर्म, क्रम विनिमय, वितरण और सम्वृत्त, ठीक है। तो कौन सा नियम लगा यहां पर, यहां पर हम वितरण नियम लगाते हैं। देखो वितरण नियम में क्या होता है कि जो कॉमन संख्या होती है वो बांट दी जाती है या फिर बंद कर ली जाती है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, -48 को हम कॉमन ले लेते हैं, बचे है क्या, 26 प्लस -56, तो -48 अपनी जगह पर इनटू, देखो इनको हल करेंगे तो 50 में से 26 गए तो कितने बचे, माइनस के 30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो -0 अपनी जगह पर, 8 × 24 असल की 2, 4 × 12 और 2 × 14, नियम कौन से लगा यहां पर, वितरण गुणधर्म। और यहां पर ये तो वितरण गुणधर्म से किया, आगे जाके हमने सम्वृत्त गुणधर्म लगाया इसमें, ठीक है, ये आगे सब में हम सम्वृत्त गुण ही लगाया, तो पहले वितरण फिर बाद में सम्वृत्त। दूसरा, 8 × 78 × -125, कौन सा गुणधर्म लगाए, यहां पर देखो 8 × 78 से गुणा कर रखा है और बाकी को इससे गुणा कर रखा है, हम यहां पर लगाते हैं साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म, ये साहचर्य गुणधर्म क्या होता है, देखें साहचर्य गुणधर्म होता है कि अगर तीनों संख्याएं गुणा में है तो आप किसी भी संख्या को किसी से भी पहले गुणा कर सकते हैं, तो हम 125 को 8 से गुणा करेंगे, 125 को जब 8 से गुणा करते हैं तो माइनस का चिन्ह तो यहाँ रहेगा,
125 गुना 8 करते हैं तो 1000 हो जाता है, गुना 78, और 78 को 1000 से गुणा करेंगे तो माइनस से नहीं होगी, 78 1000, ये इसका आंसर आ गया। तीसरा, तीसरा है 9 गुना 50 माइनस 2। यहां पर हम लगाएंगे वितरण गुणधर्म, वितरण गुण धर्म। देखो वितरण गुणधर्म क्या होता है कि ये जो 9 है ये 50 से गुणा होगा, 9 गुणा 50 माइनस 9 है वो 2 से गुणा होगा, 9 दूनी 18 लिखते हैं, 9 गुणा 2 वितरण कर दिया हमने। अब हम इसको गुणा कर देंगे तो 9 × 5 = 45, 450 माइनस 9 दूनी 18, 450 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 432, ये इसका आंसर होगा। तीसरे का चौथा क्वेश्चन 999 गुणा 45, तो हम इसको किस गुणधर्म से करें, इसको हम करेंगे वितरण गुणधर्म से। देखो वितरण गुणधर्म से कैसे करते हैं इसको, वितरण गुणधर्म से 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, इसका मतलब 999 ही हुआ इंटू 45। अब हम इसको एक एक से गुणा कर देते हैं, वितरण में यही तो करते हैं कि भारी संख्या को दोनों से अलग अलग गुणा कर देते हैं, तो 45 गुणा 1000 करेंगे 45000 माइनस 45 गुणा 1 करेंगे तो 45, अब 45000 में से 45 घटाएंगे तो 44955 बचेगा और ये इसका आंसर होगा। चौथा प्रश्न, सही या गलत बताइए। तो इसका पहला प्रश्न है पूर्णांकों का गुणन संवृत होता है। देखो गुणा में और जोड़ में तो संवृत गुणधर्म हमेशा लगता है, ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संवृत क्या होता है, संवृत गुणधर्म होता है, इसको मैं यहां लिख के बताता हूं। जैसे ए गुणा बी बराबर सी, ये हो जाता है, मतलब दोनों गुणा करके लास्ट में एक उत्तर निकाल देना, दोनों संख्याओं को गुणा करके एक संख्या निकाल देना, संवृत गुणधर्म होता है, ठीक है। तो गुणा में ऐसा होता है, पूर्णांकों में, पूर्णांकों में भाग संवृत होता है। देखो यहां पर भाग में ए बटे बी बराबर सी, ये जरूरी नहीं है कि ए बटे बी बराबर सी एक पूर्णांक संख्या आ जाए, मतलब यहां पॉइंटों में संख्या आ सकती है, इसलिए ये क्या है, गलत है, यहां पर ये गलत हो जाता है। पूर्णांकों में भाग क्रम विनिमय नहीं होता, जबकि गुणन में क्रम विनिमयता होती है। हाँ ये भी सही है बिल्कुल। देखो भाग में अगर हम संख्या बदल देंगे तो उनका आंसर बदल जाता है, लेकिन गुणा में हम जैसे ए गुणा बी गुणा सी या कर दें हम इन दोनों को पहले गुणा कर दें या फिर इन दोनों गुणा कर दें ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। अगला पूर्णांक गुणा योग पर वितरित होता है, योग पर होता है, सही है बिल्कुल, घटाव पर भी होता है लेकिन यहां पर योग रखा है तो सही है, क्या दिक्कत है। पूर्णांकों का भाग घटाव पर वितरित होता है, भाग वितरित नहीं होता, ध्यान रखने की बात है, भाग वितरित नहीं होता, इसलिए ये क्या है, गलत। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 1.3 खत्म होती है।